एक्टिव लोगों का एक फोरम है जो कि आज के जरूरी सवालों पर, और चाहे वो थियोरेटिकल मसले हो, चाहे मूवमेंट से जुड़े हुए मसले हो, उन पर बहस मुबाहसा करने का, उन पर सोच विचार करने का एक प्लेटफॉर्म है। और इसके तहत हम लोग इससे पहले भी कई कार्यक्रम करते रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को करने का जो मकसद है, जो हमने एक टॉपिक भी रखा है, मार्क्सिस्ट कैपिटल एट 150 एंड द क्राइसिस टुडे, 150 साल बाद मार्क्स की पूंजी और आज का संकट। इस विषय पर कार्यक्रम को रखने का जो मकसद है, मैं मान के चल रही हूँ कि ज्यादातर साथियों को पता होगा कि मार्क्स का जो सबसे महान रचना, और आप कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो एक सबसे पाथ ब्रेकिंग रचना रही है कैपिटल, उसकी 150 साल अभी 14 सितंबर को पूरे हुए। और हम लोगों को भी ये लगा कि ये सबसे अच्छा वक्त है कि एक बार फिर से मार्क्स की उस रचना के बारे में थोड़ी बातचीत की जाए, उसकी प्रासंगिकता, उसका रेलेवेंस आज के समय में क्या है, और संकट के इस दौर में जब तमाम लोग ना सिर्फ पूंजी को पढ़ने की बात कर रहे हैं बल्कि मार्क्सवादी विचारों को भी एक बार फिर से रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रोग्राम को रखने के पीछे का मकसद यही था कि एक डिस्कशन का, डिबेट का और बातचीत का एक, आप कह सकते हैं कि इस तरीके का एक मंच हम मुहैया करवा पाए जिसमें हम आपस में बैठ के तमाम इससे जुड़े विचारों का आदान प्रदान कर सकें। कहने की जरूरत नहीं है कि 2008 के इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बाद, आर्थिक संकट के बाद, ना सिर्फ जो एक्टिविस्ट्स हैं या जो मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एक बार फिर से मार्क्स के विचारों की और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट थ्योरी की रेलेवेंस की बात कर रहे हैं, बल्कि तमाम बूर्जुआ एकेडमिशियंस, तमाम इस तरीके के मेन स्ट्रीम, जो चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो जर्नल्स हो, वो एक बार फिर से बैक टू मार्क्स का कॉल दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यही तमाम इंटेलेक्चुअल्स, यही तमाम एकेडमिक्स 1990 के दशक में मार्क्सवाद के अंत की, सोशलिज्म के अंत की बात कर रहे थे। और ताजुब की बात उतनी भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब 2008 का आर्थिक संकट चालू हुआ था तो उस वक्त फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे सार्कोजी, उनके हाथ में दास कैपिटल की एक कॉपी मिली। उस वक्त के जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर का ये कथन था कि मार्क्स आफ्टर ऑल वाज नॉट दैट बैड। पोप ने उस वक्त ये कहा कि मार्क्स के पास काफी उम्दा एनालिटिकल टूल्स थे। तो ये तमाम लोग एक बार फिर से बैक टू मार्क्स का कॉल दे रहे थे, जबकि तमाम रेवोल्यूशनरीज, और इस वक्त क्यों रेवोल्यूशनरीज की बात करना जरूरी है, क्योंकि मार्क्सिज्म अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी प्रैक्सिस का साइंस है, वो सब लोग हमेशा से जानते थे कि मार्क्स और मार्क्सिज्म कभी आउट ऑफ फैशन नहीं था। और बूर्जुआ एकेडमिशियंस के लिए ये फिर से एक बार अपने दे वर पुटिंग देयर हेड्स टुगेदर टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस, तो उनके लिए ये जरूर सोचने का विषय था कि किस तरीके से हम फिर से मार्क्स की उन रचनाओं को पढ़ें और जानें कि हम कैसे इस आर्थिक संकट से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे पूरे आप कह सकते हो बैकग्राउंड में आज भी हमें लगता है कि 150 साल के बाद मार्क्सिज्म, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आउट ऑफ फैशन नहीं है, एक बार फिर से मार्क्सिज्म का रिवाइवल हो रहा है। एक मार्क्सिस्ट, ऑस्ट्रियन मार्क्सिस्ट है क्रिश्चियन फॉक्स, उन्होंने एक स्टडी की, एक एम्पिरिकल एविडेंस दिया कि 2008 के बाद से सोशल साइंसेस में जो काम हुआ है उसमें मार्क्स, मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट, अगर आप ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो साइटेशन इंडेक्स में उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए ये शो किया कि इसमें जबरदस्त एक उछाल देखने को मिला है और इसमें इंटरेस्ट का एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि रिवाइवल हुआ है। इस पूरे बैकड्रॉप में आज के टॉक को सिचुएट करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद एक बार फिर से भयंकर आर्थिक मंदी का शिकार है और तमाम तरह के
थियोरेटिशियंस भी बात कर रहे हैं कि क्या मार्क्स के पास क्राइसिस की थियोरी थी, अगर थी तो उनके हिसाब से क्राइसिस के क्या कारण थे। इन तमाम मसलों पर ही बातचीत के लिए आज हमने अभिनव सिन्हा को बुलाया है। मार्क्सिस्ट थियरिस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मजदूर बिगुल नाम का वर्कर्स मंथली है उसके एडिटर है अभिनव, और रेड पोलेमिक नाम का ब्लॉग भी अभिनव चलाते हैं उसके राइटर हैं। इसके अलावा सोवियत सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट पे, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशलिस्ट ट्रांजिशन पे, फैशिज्म पे, कास्ट क्वेश्चन पे, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स के क्या चैलेंजेस हैं और न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्किंग क्लास रेजिस्टेंस क्या होंगे, इस सब पे अभिनव ने एक्सटेंसिवली मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो हमें लगा कि बहुत एक टॉपिकल वक्त है, एक अच्छा मौका है कि उनके विचारों को सुने और एक इंटरैक्टिव सेशन के जरिए हम लोग आपस में बातचीत का एक सिलसिला शुरू करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं अभिनव को कहूँगी कि वो आए और हमारे सामने अपने विचार रखें। मार्क्सिस कैपिटल एट 150 एंड क्राइसिस टुडे, टॉक बाइलिंगुअल होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा।